हाय गाइस, नीलम हियर। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। हर दिन हमें छोटे छोटे स्नैक्स की जरूरत पड़ती है और हम ये भी चाहते हैं कि स्नैक्स हेल्दी हों। बस आपकी इसी तलाश को पूरा करते हुए मैं लेकर आ गई हूँ ग्रेनोला बार, जिसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं जो फाइबर से भरपूर और एनर्जी का भंडार है। टेस्ट के बारे में क्या बताऊं, बनाते ही मेरी फैमिली इसे 10 मिनट में चट कर गई और फिर मुझे तो दोबारा बनानी पड़ी क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है ना। तो चलिए, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं ये जो हमारी बेकिंग डिश है इसे मैं हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ और फिर क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी बटर पेपर। बटर पेपर को भी मैं हल्का सा ग्रीस कर देती हूँ। ग्रेनोला बार बनाने के लिए मैंने ये 3/4 कप जो है ना ओट्स ले लिए हैं और इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये हमारे बड़े अच्छे रोस्ट हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं, प्लस इनका मॉइस्चर भी निकल गया है। इसको मैं अलग से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ओट्स निकालने के बाद ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पिस्ताचो, 2 टेबलस्पून हमारे आलमंड्स। इनको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी सामान ऐड करती हूँ। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून हमारे जो है कैश्यूज़, ये सारा मैंने कुछ चॉप कर लिया था। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून 5 मग्स, ये 5 टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं तो ये भी इसमें डाल देते हैं क्योंकि नट्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसीलिए मैंने सीड्स सबसे लास्ट में डाले हैं। और ये हल्का हल्का रोस्ट हो गए। इसके बाद मैं ये जो हमारी किशमिश है 2 टेबलस्पून ये किशमिश डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दी है और अब इसमें कॉर्न फ्लेक्स जो है हमारे 3/4 कप ये मैं इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये वैसे ही क्रंची होते हैं। सारे नट्स भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, इनको मैं एक अलग से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये शुगर है 1 कप, ये मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ जिसमें से मैंने नट्स एंड ऑल सब निकाल लिए हैं। और मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून वाटर और इसको मैं कैरामलाइज कर लूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है शुगर कैरामलाइज कर रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। जब ये पकनी शुरू होती है तो ऐसे देखो गट्ठे गट्ठे भी बनेंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। ये अभी पहले सब इकट्ठी हो जाएगी, ऐसे टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे और उसके बाद का प्रोसीजर जो है वो देखना, धीरे धीरे मेल्ट होके कैरामलाइज हो जाएगी। ये देखो जो ये टुकड़े बन गए थे ना हमारे पीसेस, अब ये जो है मेल्ट होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए हमारी शुगर जो है कैरामलाइज हो गई है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, अब इसमें मैं अंदाजे से 1 टेबलस्पून जो ना हनी ये डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। मैंने अब फ्लेम बंद कर दी है बिल्कुल और इसमें फटाफट हमारे ये ओट्स और ये हमारे नट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स ये मैं इसमें फटाफट मिक्स कर देती हूँ। इसको हम थप थपा कर कटोरी से जो है इसको प्रेस कर देते हैं ताकि ये कोने कोने तक पहुँच के अच्छे से सेटल हो जाए। और गरम गरम में ही हमने ये कट लगा देने हैं ताकि बाद में जब इसको निकाले तो थोड़ा सा इजी हो जाए। इसको हाफ एन आवर के लिए हम लोग सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। ये ग्रेनोला बार भी हमारी सेटल हो चुकी है, तो चलिए जो हमने कट लगाए थे वहाँ से हम इनको निकाल कर देखते हैं। ये हमारी बार बिल्कुल रेडी हो गई है। ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है, इतनी मज़ेदार है कि ऐसे ही तोड़ तोड़ के खड़े खड़े हम खा जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे प्लेट में सजाते हैं और आप और हम मिलके इसको खाते हैं।